असम में शूट आउट हुआ है और आपने देखा किस तरह से उस शूट आउट में जिसका शूट हुआ है उसके ऊपर पत्थरें फेंकना और जो फोटोग्राफर या कैमरामैन जो भी था उसके ऊपर कूदना, ये सब देश को क्या एक नेगेटिव पॉइंट देती है या पॉजिटिव? ये वो घृणा है जो लोगों से जाति और धर्म के नाम पर है, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो वीडियो हमने भी सबने देखा है। उस वीडियो में बाकायदा दिखाया है कि वो व्यक्ति उधर से लाठी लेकर आ रहा, उसको शूट किया गया है और मर गया है वो। उसके बाद जो पत्रकार जिनको वो लेके आए थे, फोटोग्राफर जिनको वो लेके आए, वो फोटोग्राफर उस लाश पे कूद रहा है और उसके बाद में एक बार कूद के फिर उधर चला गया, पता नहीं उधर से क्या लेके आया और फिर उठा के उसने उसके मुंह पे मारा, डंडा था पत्थर था नहीं मालूम। तो ये बताती है कि लोगों के प्रति सरकार या सरकारी अमला या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें कितनी घृणा है। ये सारे साथी यहाँ पर हैं, खड़े हुए हैं, आप भी हैं, हमने ऐसा देखा है और मैंने ऐसा किया भी है। अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और किसी की शव यात्रा जा रही है, कोई भी, हम नहीं जानते वो कौन है, तो हम जनरली अपनी गाड़ी, स्कूटर, साइकिल या पैदल चल रहे हैं तो रुक जाते हैं और कम से कम 10 कदम उनके साथ चलते हैं और हाथ जोड़ के फिर वापस आते, वो कोई भी हो। ये हमारे नॉर्मल हमारे देश की परंपरा है, मैं इसे अपनाता हूँ और ये सभी लोग भी अपनाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके शब्द पर इतनी घृणा से, और वो बोल भी रहा है, वो शब्द नहीं सुनाई दे रहे हैं, वो बोल भी रहा है लेकिन उसके एक्शन से पता लग रही है कि कितनी घृणा है। और हकीकत ये है कि ये सब जो किया जा रहा है वो वहां पर 5,000 acres से ज्यादा जमीन है जिसकी बंदरबांट सरकार और उद्योगपति शासन प्रशासन मिलकर करना चाहता है और वहां से दो जो गांव हैं उनको वो हटाना चाहता है। आप जानते हैं जो दरांग जिले की यह घटना है और साधोपुर शायद वो गांव है जहां की यह घटना है, वहां के जो 800 परिवार हैं उनको हटा दिया गया है और दूसरे जो और हैं उनको हटा दिया गया है। अगर किसी का घर बाढ़ में बह गया या किसी भी वजह से खत्म हो गया, उस व्यक्ति ने अगर सरकारी जमीन में अपने घर अपनी झोंपड़ी डाल ली, इसमें क्या बुरा कर दिया? आपको अगर लगता है कि भाई इसने यहाँ डाल ली है, आप क्योंकि सरकार हैं और आप वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य जो हमारा संविधान है वो इस बात की व्यवस्था करता है, तो आप उन लोगों को आप दूसरी जगह दे दीजिए, वहां से हटा के दूसरी जगह बसा दीजिए, आपको क्या दिक्कत उसमें? लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इसलिए उनके प्रति ये घृणा है और वो घृणा साफ नजर आ रही है। यानी जो फोर्स के लोग थे उन्होंने भी जब उसको गोली लग गई वो नीचे गिर गया मर गया, उसके बाद उस पर इतने लट्ठ बजाए और फिर उसकी घृणा फोटोग्राफर, तो ये बड़ा दुखद है। लेकिन इसके पीछे जो है, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनका भाई दरांग जिले का SSP है, SSP है, तो ये सब मिल के बंदरबांट है कि कैसे उस 5,000 acres से ज्यादा जो जमीन है उसको कैसे आपस में बांट के बंदरबांट करके और अपना घर भर लिया जाए। लोगों को उसके लिए मारना पड़े तो मार दो उसके उसमें कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, ये है वो है, लेकिन राज की नीति होनी चाहिए कि अगर किसी ने कर लिया है उसको कोई बात नहीं, प्यार से हटाओ, भैया आपको ये जगह देंगे। और एक बात, अभी उस जगह का मुकदमा चल रहा है गुवाहाटी हाईकोर्ट में, तो मैं समझता हूँ पहले हाई कोर्ट से उसे डिसाइड होने दें उसके बाद में कोई काम करें, और उसके रहते हुए भी सारी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश को हमें अच्छा बनाना है, इस देश में नफरत इतनी नहीं फैलानी चाहिए जितनी BJP और इनके जो कारिंदे हैं ये सब फैला रहे हैं। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, और SSC GD स्टूडेंट से भी वो मिलना चाहेंगे हमारे मीटिंग शुरू होने से पहले बातचीत हो रही थी। अगर कोई भी SSC GD स्टूडेंट इनसे मिलना चाहेंगे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और वो ज़रूर आपका रास्ता दिखाएंगे आपको। सर एक जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन SSC के ऊपर है, सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SSC GD स्टूडेंट्स का ओवर एज हो गया है, अब वो क्या लीगल प्रोसीजर कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए केवल कोर्ट ही कर सकते, वैसे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, एज लिमिट बढ़ा दे या इनको एग्जम्प्ट कर दे कि भाई इनका तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था, तो ये तो जिस समय सिलेक्शन हुआ था तब इनकी उम्र थी,
अब अगर सरकार ने अपॉइंटमेंट उन्होंने नहीं दिया तो गलती सरकार की है, उसको सरकार एग्जम्प्ट कर सकती है, लेकिन अगर फिर भी नहीं करती है तो फिर बीजेपी का और सरकार का वही चरित्र सामने आएगा कि सिर्फ कहो करो कुछ नहीं, लोगों को तबाह करना ही उनकी एकमात्र नीति है। और अगर ये सरकार नहीं करती है तो मैं समझता हूँ फिर लोगों को कोर्ट ही जाना चाहिए, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वहाँ भी न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा मैं इसकी गारंटी नहीं देता, मुझे नहीं पता क्या है, पर रास्ता लीगली यही है। तो देखें वो लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं मैम, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है आशा जी। वो जो जहाँ तक भी है वो सरकार से भी बात कर सकते हैं, सरकार को पूरे अधिकार हैं, सरकार ही कर सकती है अगर सरकार थोड़ी सी भी संवेदनशील है तो। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि पूरी तरह से संवेदनहीन है, बेरहम और बेदर्द सरकार है, सरकार कर सकती है, नहीं तो कोर्ट कर सकती है, दोनों को पावर है। तो जो ओवर एज स्टूडेंट्स है आपने सुना है, आप मिल सकते हैं इनसे, अब आपका जो भी समस्या है आप भानु प्रताप सिंह जी से ज़रूर मिलिए एक बार और अपना समस्या उनके सामने रखिए, वह हमेशा आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार है। मेरे साथ कैमरा सपोर्ट में जानम मेहरा, मैं आशा मेहरा, मिलेंगे हम अगले वीडियो पर।